आपको जहाँ से प्लेयर आएंगे वो आप मार सकते हो। वही बात की जाए प्लेन पाथ की, तो यहाँ पे हमारा प्लेन आ चुका है, मीरा मार्ग एफपीपी मैच टू हमारा मास्टरी स्क्रिम्स का स्टार्ट हो चुका है। अब देखना ये पड़ेगा कौन कौन सी टीम कहाँ कहाँ जाती है, लोगों बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ईटीजी ब्रॉलर्स बहुत एज ऑफ द जोन है, उन लोगों को रोटेशन करना उतना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 8 बिट क्लच गॉड को नॉकआउट एंड फिनिश द क्लच गॉड बैक टू बैक दो मैचेस पे फर्स्ट सबसे पहले डाउन हुए। जो ये लोग लेने वाले हैं, अगर एडब्ल्यूएम होती है तो कोई ना कोई स्नाइपर जो इनके टीम में जो स्नाइपर यूज करता होगा उसको मिल जाएगी। बाकी इन्होंने स्मोक करके शायद ड्रॉप लूट लिया, इसलिए वहां पे लेट करेंगे ये लोग लूटने के लिए। उधर किल फीड पे हम जैसे देख पा रहे हैं सिनर्जी वर्सेस एमजीजेड चल रहा है, एमजीजेड का 5 सिंगल पूरा फिनिश हो चुका है और उधर 7 सीज भी उधर नॉकआउट कर चुका है ट्रांस को एंड पूरा खत्म कर चुका है माजिक वहां पर ट्रांस को। तो दो उधर फाइट चल रहा है एंड इधर एग्जिशन को मिल चुका है हमारे M249 द गॉड गन एंड इधर स्लेयर ने एक नॉक पिकअप किया। सूर्या यहाँ पर जा रहे हैं अपने टीम को थोड़ा फ्लैंक करते हुए, इधर डोड अपने टीम में ब्लेजी को रिवर देते हैं। सूर्या ने बहुत ही अच्छा इंफो का स्प्रे करके वेनम को नॉकआउट कर चुका है। इधर स्ट्राइडर बहुत ज्यादा ओपन शाइडर के ऊपर भी स्प्रे है, सूर्या ने इधर शाइडर को भी नॉकआउट कर चुका है। ऑस्टिन बहुत ज्यादा क्लोज पे आ चुका है, ब्लेजी यहाँ पर स्पॉटेड है, सूर्या यहाँ पर एक और नॉक पिकअप करते हैं ऑस्टिन के ऊपर, तीन बंदे पिकअप कर चुका है सूर्या, अकेले बंदे बचे सिनर्जी के। देखते हैं सूर्या इस लास्ट बंदे सिर्वी को डाउन करता पाता है कि नहीं। आईजीएल वर्सेस आईजीएल का फाइट है लास्ट मोमेंट पे, यहाँ पर ड्यूड उसको कवर फाइट दे सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल कर चुका है सिनर्जी के ऊपर, ड्यूड उसके पास आ चुका है, सिर्वी होल्ड करके बैठे सूर्या राइट से जा रहा है, दोनों के दोनों इधर बंदे बहुत ही कम एचपी है। लेफ्ट से आई थिंक ड्यूड ने फिनिश किया या कौन फिनिश किया वो देखने मिलेगा। सूर्या को वहां पर 3 किल मिला या 4, यस मैं जैसे बोला राइट से उधर एक और पूछा है ड्यूड ने उधर से फिनिश किया। तो सिनर्जी यहां पर पूरा एलिमिनेट हो चुका है, पहला स्क्वाड इधर एलिमिनेट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। कार 98 है, अगर फेनेटिक में से कोई एक प्लेयर भी नॉकआउट होता है तो हमें पता है ये लोग रश करने से नहीं रुकने वाले। तो अभी के लिए हम देख पा रहे हैं इंसेंस का यहां पे नॉकआउट है, 8 बिट अक्षय यहां पे फिनिश करना चाहेंगे, इंसेंस वर्सेस 8 बिट देखने को मिल रहा है। नारुतो बगल से गाड़ी लेके जा रहे हैं और यहां पे त्रिलोक शायद नारुतो को स्प्रे करेंगे, यहां पे अक्षय ने भी नॉकआउट स्प्रे किया यहां पे नारुतो के ऊपर लेकिन स्प्रे कनेक्ट नहीं हो पाया और नारुतो यहां से भागने में कामयाब हो चुके हैं। और इसीलिए क्योंकि आपके पास बैकअप देने के लिए जो प्लेयर है वो काफी ज्यादा ही पीछे है। यस एंड पीछे से बैकअप दे सकते हैं लेकिन इधर परितोष ने थोड़ा डैमेज दिया है सामने मावी को, एक बुलेट कनेक्ट किया ओएस एंड एश एंड रॉनक पीछे। ये अगर टीपी फाइट हो तो बहुत ज्यादा अच्छा फाइट देखने को मिल सकता है। नीचे के स्क्रीन पे अगर देखोगे तो उधर एक और आईएनएक्स ने उधर एक नॉक फिनिश किया है, इधर एक हेड शॉट पर आई थिंक किसी को, यस हाइड्रा राइजर को उधर हेड शॉट पड़ा एंड दलजीत एंड मावी यहाँ पर अभी भी रेज के ऊपर से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। परितोष बहुत ही खराब पोजिशन में, संधू को इधर पिकअप कर चुका है, एश बहुत ही प्यारा मिनी 14 का उधर टैप से, लेकिन संधू अभी कवर में आ चुका है, थोड़ा एंगल कम है, एंटो उसको बचाने की कोशिश करेगा, दलजीत वहां से कवर फाइट देने की कोशिश एंड इधर फिनेटिक स्क्वाड अभी पुश कर रहा है। तो एक एक करके एक एक स्क्वाड बैकअप जा रहा है, दूसरा स्क्वाड उस टाइम पे पुश कर रहा है, तो दोनों स्क्वाड यहां पर फाइट लेने से डर नहीं रहा है मैक्सटन। ये बिल्कुल, तो आप देख पा रहे हो दलजीत और यहाँ पे इनके सामने फेनेटिक रौनक भी है राइट साइड में, रौनक शायद स्कोर कर चुके हैं कि राइट प्लेयर है। यहाँ पे परितोष बैरल से डैमेज देने की कोशिश की, परितोष को भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ा और उसी के साथ में देख पा रहा हूँ रौनक को फिनिश कर दिया गया। और यहाँ पे मावी ओआर की टीम जो थी वो शायद एलिमिनेट हो गई पूरी तरीके से, पूरा एलिमिनेट हो चुका है। इधर देख पा रहे हैं गॉडलाइक के पास से, वो भाई कैसे बचा बंदा, भाई क्या रिफ्लेक्स था, वो जब एक टेक्निक है लाइक आप जंप करके प्रोन बटन दबाओगे तो आप ज्यादा दूर जंप कर सकते हो, उसके कारण यहाँ पर बच चुका है इधर टीम मिशन। इसके लिए ज्यादा टाइम तक बचेगा नहीं क्योंकि गिल उसके ऊपर आ चुका है लेकिन गिल ढूंढ नहीं पाया कहाँ पर है, लेकिन फ्री फायर देते हुए गिल यहाँ पर एट लास्ट टीम मिशनरी को भी खत्म कर चुका है। तो वी आर डाउन टू 12 स्क्वाड एंड इधर क्रॉन्टेन को पीछे से आईएनएस से नॉकआउट किया था, तो देखते हैं 18 मिनट्स हो चुके हैं। ये भी पता है कि ओआरबी का स्क्वाड उसके पास पे है तो उसको 200 मीटर रोटेशन देना है जो इम्पॉसिबल है। बोलते ही बोलते फ्रोस्ट ने ओम का बॉडी शॉट देके क्रॉन्टेन को फिनिश करते हुए, तो एक और स्क्वाड यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है सेकेंड मैच से मैक्सटन। जी हाँ बिल्कुल, अब सिर्फ 7 स्क्वाड्स बचे हैं, अब देखना पड़ेगा कौन कौन सी टीम किस टाइप का रोटेशन करती है। एक साइड पे था उधर आई थिंक सामने कौन सा 7 सीज था एंड इधर ETG Brawlers भी इस मैच में चेंजेस निकाल चुके हैं जो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक मॉली आया जो पास में गिरा, एक नेड अगर पेड़ के पास आ जाता है, लिटरली क्या सीन होता है कि लाइक पेड़ के पास बंदे का कम जाते हैं अभी कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में, इसलिए पेड़ के पास नेड वो लोग कम करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है सब पेड़ के पास रहते हैं। लेकिन यहाँ पर 8 बिट का स्क्वाड, यहाँ पे 8 बिट जो थे वो फिनिश हो चुकी है और ETG के पास जो पोजीशन है वो काफी अच्छी पोजीशन हो चुकी है। वहीं पे वो आरबी फाइनल बॉस नॉकआउट हो चुके हैं, यहाँ पे 7 सीज की टीम भी यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है। यस अब देखते हैं क्या करना चाहेंगे, इनके सामने राइट में 7 सीज की है, बगल में किसी कोई और टीम है। ETG के पास एक अच्छी पोजीशन है, एक अच्छा सा कम छोटा सा घर है जहाँ पे आप कवर में अभी थोड़ी देर के तो रह सकते हो, आप जोन के अंदर हो, वहीं आपको बस करना क्या है जोन के बाहर जो टीम आ रही है उनको डैमेज देना, उनको नॉकआउट करना, उनको फिनिश करना है। 16 वो जोन के काफी ज्यादा पास में, तो 7 सीज की टीम यहाँ पे स्मोक करके निकालना चाहेंगी। यहाँ पे 0 डिग्री जो हमारी टीम है ये अभी के लिए तो काफी अच्छे
पोजीशन पे है। अब यहाँ पे ये लोग रैंडम फायर ले रहे हैं, अगर रैंडम फायर एक नॉक भी कर चुका है वीरू ऊपर में आ गया, लेकिन स्क्वाट एक थोड़ा लेट स्क्वाट किया लेकिन वीरू कैसे भी करके बच चुका है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये एचपी भी मैच है तो अगर पुश करना चाहते हैं ओपन से पुश भी कर सकते हैं। पुश करते हुए सूर्या ने इधर एक एक स्प्रे से नोवा को वहाँ पर स्पॉट आउट कर चुका है, फ्रोस्ट साइड से रोटेट कर रहे हैं, फ्रोस्ट के ऊपर नेट अगर उस पोजिशन में वो नहीं करता तो उस पोजिशन में आई थिंक वो फ्रोस्ट को भी नॉकआउट कर सकता था। नेट थोड़ा लेट आया, ब्लेज यहाँ पर पूरा होल्ड करके बैठा है, डार्क यहाँ पर पूरा होल्ड करके बैठा है, फ्रोस्ट यहाँ से कवर फाइट देने की कोशिश, सूर्या का पोजिशन अच्छा है, ड्यूड ने उधर 7S वीरू को नॉकआउट कर चुका है एंड यहाँ पर जीरो डिग्री दोनों साइड पर फाइट ले रहे हैं, ड्यूड ने उधर जिगर को भी नॉक, डार्क यहाँ पर जोन के साथ डैमेज खा चुका है, डार्क को थोड़ा डैमेज पड़ा, ब्लेज यहाँ पर क्लोज, सूर्या ने उधर डार्क को नॉकआउट कर चुका है, किलिंग स्प्री पे आ चुका है। ETG Brawlers जीरो डिग्री उधर 7C को क्लियर कर चुका है, ETG Brawlers आइकॉनिक ने जिक्शा को लास्ट में डाउन किया, ब्लेज ने इधर आइकॉनिक को डाउन कर चुका है, तो 3v2 सिचुएशन राइट नाउ। नोवा बहुत कम एचपी है, फोर्स ने सूर्या को नॉक कर चुका है, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हुए कंप्लीट भी कर चुका है, ड्यूड एंड ब्लेजी बचे हैं एंड इधर बचे हैं फ्रोस एंड नोवा, नोवा हिल अप कर चुका है, फ्रोस के इधर नॉकआउट कर चुका है, ड्यूड बहुत ही प्यारा, तो 2v1 सिचुएशन है एंड देखते हैं ब्लेजी यहां पर ढूंढ रहा है कहां पर है लास्ट बंदा, लेकिन उसको स्पॉट नहीं कर पाया एट लास्ट स्पॉट एंड यहां पर बहुत ही प्यारा चिकन डिनर फॉर जीरो डिग्री, फर्स्ट चिकन डिनर उन लोगों का इस मैच में एंड अच्छे खासे किल के साथ 10 किल के साथ चिकन डिनर लेके गया, लेकिन ETG Brawlers इस मैच में बहुत ही प्यारा खेल में एक्सटेंड।